हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, क्या एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम? और भी कौन से फॉर्मूले हैं जिनको हम टेबल में ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी की बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से जाना है क्रिएट पर और फिर टेबल पे जाना है। तो टेबल पे चलते हैं और फिर यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ टेबल वन ही नाम रहने देते हैं। अब यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं, हमको करना क्या है वो देख लीजिए। लाइक यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ रहने देते हैं और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा, तो ये लिख दिया मैंने स्टूडेंट नेम, ओके। और फिर यहाँ पर जब आएंगे नीचे तो यहाँ पे अटेंडेंस की बात करेंगे, स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो अटेंडेंस में क्या करेंगे हम ना, ये जो है यहाँ से एक डेटा टाइप आता है यस और नो डेटा टाइप, तो ये चूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये चूज कर लिया, यहाँ से ओके करेंगे, ये ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे रोल नंबर आ गया और यहाँ पे अटेंडेंस में आ गया आपका एक इस तरह का साइज आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, ठीक है। अब पता करना है कि वो पर्टिकुलर एक दिन आया था कि नहीं आया था, तो टिक कर दीजिए तो इसका मतलब आया था, नहीं टिक करिएगा तो इसका मतलब नहीं आया था। तो अगर मैं टिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे करता हूँ श्याम, अब ये लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए थे कि नहीं हुए थे ये पता करना है। तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बना के दिखाता हूँ और इसमें सिर्फ टेबल ही यूज करेंगे हम और कुछ नहीं यूज करेंगे, मतलब टेबल टेबल में ही ये करके देखेंगे। तो ये हो गया राम, फिर श्याम, फिर यहाँ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया दुर्गेश, ठीक है, यहाँ पे कर दिया माइकल। तो ये देखिए कुछ स्टूडेंट के नाम मैंने ले लिए हैं, आप इनमें से कुछ आए होंगे कुछ नहीं आए होंगे, तो ये टिक और अनटिक पे चलता रहेगा। तो ये टिक और अनटिक कर लेंगे। अब हमको ये पता करना है यहीं पर, वो भी यहीं पे पता करना है। यहाँ से आप थोड़ा उसको कलरफुल बना दीजिए, थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा, ये इस तरीके से ही आ जाएगा, अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब करेंगे क्या हम, यहाँ पे एक आपको मोर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हाइट वाइट बढ़ाना हो या सब डेटा शीट बनानी हो आपको, तो आप सब डेटा शीट भी बना सकते हैं। लाइक इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, सब डेटा शीट यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जाइएगा तो वही नाम जो है दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब डेटा शीट बनाना किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा इसका फायदा क्या है। अब इसको ऐसे छोड़ते हैं। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको ये पता करना है कि ये कुल मिला के कितने दिन आए हैं सामने, या फिर यहाँ पे एक और दे देता हूँ, यहाँ पे लाइक यहाँ पे कर देता हूँ युवराज, ठीक है, ये कर दिया हमने और यहाँ पे ऐसे छोड़ देता हूँ। अब हमें करना क्या है, अब हमको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ये सिग्मा का साइन टोटल, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमको पता करना है कि ये 10 लोग कितने दिन रहे हैं प्रेजेंट, ठीक है, 10 लोगों में से कौन कौन प्रेजेंट रहा है, कौन कौन एब्सेंट रहा है, पहले तो ये काउंट कर लेते हैं। तो काउंट जैसे ही लगाएंगे तो 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, काउंट लगा देंगे। तो काउंट यहाँ पर जैसे ही काउंट लगाएंगे तो 6 आ रहा है, 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए जिसपे टिक है ना वही भाई 1 2 3 4 5 6 लोग प्रेजेंट है तो 6 आ रहा है। तो इस तरीके से ये काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बड़ा यूजफुल होगा अगर आप अटेंडेंस शीट वगैरह बनाते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये काफी आपके लिए यूजफुल होगा। यहाँ पर जैसे ही पढ़ेंगे ना तो ये अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ईशा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनटिक है, अगर मैं टिक कर देता हूँ लाइक ऐसे, तो टिक कर दिया और फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक आप देख सकते हैं किस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दिक्कत हो जाता ना तो रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिएगा, तो रिफ्रेश कर दीजिएगा तो सब जो अप्लाई हुआ था वो पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा और ये चीजें चेंज हो, वैसे तो अपने आप चेंज हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप काउंट का फॉर्मूला टेबल में ही अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।